हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 10 की मैथ्स करेंगे। बच्चों, तो अभी तक जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चैप्टर था बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो उसके काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, अब हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है बहुपद। अब देखिए बच्चों कि अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम जीरोस निकालना हमने सीखा था, जीरोस या फिर सॉल्यूशन जिनको हम बोलते हैं, शून्य जिनको बोलते हैं, वो निकालना निकाल के हमने देखा था। और क्या किया था हमने, हमने जो गुणांक होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप हमने निकाली थी कि जीरोस और जो कोफिशियंट होते हैं उनके बीच की क्या क्या रिलेशनशिप होती है, ये हमने निकाल के देखी थी कि अगर जीरोज को ऐड करते हैं हम तो हम क्या लिखते हैं उनको, और जीरोज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से आपकी उनके बीच में संबंध आता है, ये सीखा था हमने। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो अगला टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे बहुपदों के लिए। बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब देखिए बच्चों, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा और आप इसका क्वेश्चन जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज है, आपको आती है ये चीज। मैं बोल रहा हूँ आपको आती है ये चीज, बहुत ही ईजी है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर है 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1, इसको एक्स प्लस 2 से भाग दीजिए, तो बच्चों ये आपके सामने है। देखिए इसको आप क्या करेंगे, जो ये डिविडेंड है इसको इस डिवाइजर से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, पता है कौन से, जैसे आपने नंबर्स को डिवाइड करना सीखा होगा, संख्याओं को भाग करना सीखा होगा, कि अगर मैं बोलूं आपको कि 5 को आप 2 से भाग कीजिए, 5 को 2 से भाग कीजिए, तो आपको आता है भाग करना, बिल्कुल आता है। तो ऐसे इस तरह लिखते हैं कि 5 अंदर लिख दिया आपने, 2 बाहर लिख दिया, फिर आप 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 5 के बराबर या उससे छोटा हो, तो 5 से छोटा कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो आंसर में हम 2 लिख देते हैं कि कितनी बारी इसका पहाड़ा गया 5 से जस्ट छोटे तक। तो 2 टाइम्स गया, 2 × 2 = 4 होता, 2 बारी गया ये और 4 आ गया। अब इनको हम माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस हो गया तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया क्वोशंट, ठीक है, क्वोशंट यानी ये आ गया भागफल, इसको हम भागफल बोलते हैं। ये क्या आ गया, ये आ गया शेषफल, यही होता है जो अभी तक आप करते आए हैं, ये शेषफल आ गया, ये भागफल आ गया, तो इस तरह से आपके ये आंसर आ जाते हैं।
अब यहां पे भी यही चीज करनी है बच्चों कि आपको भाग देना है। बस फर्क क्या है कि यहां पे ये चीजें x की टर्म्स में है, x प्लस 2 से भाग देना है आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बहुत ही आसान है बच्चों, ये करके देखते हैं इसको, तब आपको पता लगेगा, समझ में आएगा कितना आसान है। तो हमें भाग देना है किसको, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे किससे, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से, x प्लस 2 से आप इसको भाग देंगे। तो भाग देते वक्त आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वाली टर्म देखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2x है, तो हमें इसको जो ये x वाली टर्म है इसको 2x स्क्वायर के बराबर बनाना है, 2x का जो वर्ग है उसके बराबर बनाना है, यहाँ पे तो x है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो हम इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें, इसको किस चीज से गुना करें कि 2x स्क्वायर बन जाए ये, तो ये है सोचने वाली बात बच्चों। x प्लस 2 है ये, ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो x ज्यादा है यहाँ पे, x इंटू x, इसी को x स्क्वायर बोलते हैं, तो एक तो x ज्यादा है यहाँ पे और 2 भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो अगर हम 2x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इस पूरे को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2x से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर है तो एक बारी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2x को और एक बारी x से, ऐसे ही होगा, तो अगर x से मल्टीप्लाई किया 2x को तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4x आ गया, यही आता है। देखिए ये मैं बिल्कुल सिंपल करके आपको बता रहा हूं। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x को हम यहां लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब क्या करते हैं इसका साइन हम चेंज कर देंगे, माइनस करना होता है ना, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना होता है, घटाना होता है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, मतलब साइन यहां पे बदल जाएगा। अब बच्चों देखिए 2x स्क्वायर ऊपर भी है, प्लस का है ऊपर, नीचे माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं, यहां पे क्या बच गया, ऊपर प्लस का 3x और नीचे माइनस का 4x, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम माइनस का 4x है और प्लस का 3x है तो क्या करेंगे हम, देखिए पहले तो ये देखना है कि इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो एक के सामने माइनस का निशान है, दूसरे के सामने प्लस का निशान है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4x में से 3x माइनस हो गया, कितना बच गया, x बच जाता है, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के सामने होता है यानी माइनस, तो यहाँ पे माइनस x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस x, ऊपर से हम कितना उतार लेंगे, एक यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे एक बच गया था तो इस एक को हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया। अब बच्चों अब देखिए कि कितने टाइम्स ये कितनी बारी जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, माइनस x है, तो बस क्या फर्क है कि इसके साथ माइनस का निशान है और यहाँ पे माइनस का नहीं है, तो सबसे पहले तो हमने किया था 2x से मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे माइनस 1 से पूरे को गुणा कर देंगे, तो ये भी माइनस x आ जाएगा, कैसे देख सकते हैं आप, x प्लस 2 है, माइनस 1 से अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस x और माइनस 2 ये आ जाता है, हम ऐसे ही इसको लिखेंगे, माइनस x माइनस 2, फिर से इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं तो निशान इनके बदल जाएंगे, और देखिए प्लस माइनस x यहाँ पे कट जाता है, और प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो जाता है, 3, तो 3 यहाँ पे शेष आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। अब बच्चों आपको क्या पता है कि कौन सा यहाँ पे भाजक कौन सा है, हम इसको प्रॉपरली पूरे को लिखेंगे, अब
हम लिख सकते हैं कि देखिए, अगर हमने x प्लस दो है, x प्लस दो इसको अगर हम 2x-1, ये क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन आया, आंसर आया, ठीक है, वो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, गुना करके, अगर हम इसमें जो इसका रिमाइंडर है 3 वो जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, जो ये आपका भाज्य है उसके बराबर आ जाएगा, भाज्य के बराबर आ जाएगा। तो भाज्य यहाँ पे कितना है, 2x² + 3x + 1 इसके बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे किसको हम क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होगा बच्चों। तो देखिए, जो x प्लस दो है ये क्या है, ये आपका भाजक है, क्या है, भाजक है, इसको हम डिवाइजर भी बोलते हैं। और जो ये 2x-1 है ये क्या आया है आपका, ये आया है भागफल, क्या आया है, भागफल, इसको हम क्वोशेंट भी बोलते हैं बच्चों। और 3 आया है शेषफल, इसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। और ये आपका क्या था, ये यहाँ पे दिया हुआ था जो कि भाज्य है, ठीक है, इसको डिविडेंड भी बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सारी चीज आ गई है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अगर किसी को भाग देने के लिए बोला जाए तो। अब अगला क्वेश्चन, एक और इसी तरह से हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ये देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो इनमें से हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला पार्ट देखिए, इसका पहला पार्ट हम करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे पी एक्स बराबर है एक्स का क्यूब माइनस 3x² + 5x-3, और यहाँ पे जी एक्स आपको दिया है x² - 2। और क्या बोला गया है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला गया है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, किसको, पी एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है, और इसको जी एक्स से आप भाग देंगे, और भाग देने पर भागफल तथा शेषफल जो आए वो आप लिखेंगे, वो आप ज्ञात करेंगे। तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, पी एक्स को आप अंदर लिख देंगे, कितना है, x³ - 3x² + 5x - 3। अब बच्चों जी एक्स आप यहां लिखेंगे, x² - 2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरह आप इस क्वेश्चन में भी इसको करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहली टर्म को देखा था, ये x² है और ये x³ है, तो किसकी कमी है यहाँ पे, एक x की कमी है, अगर x² को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x³ बन जाता है। हम वही करेंगे, x² - 2 है इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा कि x³ - 2x यह आ जाता है। अब देखिए बच्चों, x³ - 2x है तो x³ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसके बाद ये x² है, 3x² है, लेकिन यहाँ पे तो 2x आया है हमारा, -2x आया है, तो हम x वाली टर्म x के नीचे ही लिखेंगे, और x² वाली टर्म x² के नीचे, x³ वाली टर्म x³ के नीचे, तो -2x इसको हम 5x के नीचे ही लिखेंगे, ना कि -3x² के नीचे, क्योंकि x² के नीचे x² आना चाहिए ना कि x, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब इसमें से नीचे वाली टर्म आप माइनस कर देंगे तो साइन आपके इनके चेंज हो जाएंगे, देखिए ये दोनों आपस में कट गए, +x³ और -x³। अब क्या बचा,
यहाँ पे बचा माइनस तीन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचा प्लस पांच एक्स है और ये प्लस दो एक्स है, तो कितना हो गया प्लस सात एक्स। पांच एक्स और दो एक्स कितना हो गया सात एक्स, यहाँ पे मैंने तीन उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे माइनस तीन एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस तीन एक्स स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल है कि हम इसको माइनस तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको माइनस तीन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस दो को, तो माइनस तीन से मल्टीप्लाई करने पे आ गए माइनस तीन एक्स स्क्वायर और माइनस दो को माइनस तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका प्लस छ। आता है ना ये मल्टीप्लाई करना, तीन को दो से पहले मल्टीप्लाई करो, तीन दूनी छ और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा। अब माइनस तीन एक्स स्क्वायर तो है ही और यहाँ पे प्लस छ आया, इनको आप माइनस करेंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और देखिए ये माइनस प्लस तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स स्क्वायर से कट जाता है और यहाँ पे सात एक्स और माइनस माइनस इनको ऐड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा नौ। तो यहाँ पे कितना आ गया सात एक्स माइनस नौ और जो आपका आंसर है वो कितना आया एक्स माइनस तीन, आंसर कितना आया एक्स माइनस तीन। तो आप लिख देंगे कि जो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो कितना है और जो भागफल है वो कितना है, भागफल कितना आया बच्चों, भागफल आया x माइनस तीन और जो शेषफल है वो कितना आया, शेषफल आया सात एक्स माइनस नौ। ठीक है, यही है यानी क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आपका इस तरह से आ जाता है। अब देखिए बच्चों ये जो दो क्वेश्चन है ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अपने आप इनकी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक बारी हम ये थर्ड वाला और करके देखते हैं, ये थोड़ा हा आपके लिए अलग होगा, इसीलिए इसकी ओर हम एक बारी प्रैक्टिस करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो पी एक्स क्या है बच्चों, पी एक्स है एक्स की चार, एक्स की पावर चार माइनस पांच एक्स प्लस छ, और जी एक्स यहां पे क्या है, जी एक्स देखिए जी एक्स यहां पे दो माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों इनको हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं, पहले सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है। ऑर्डर का मतलब है जो भी इसकी घात होती हैं उनको आप घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखेंगे, जैसे x के ऊपर पावर 4 है घात 4 है वो सबसे पहले लिखा, फिर उससे छोटी यहाँ पे x के ऊपर घात 1 है वो लिखा और फिर धीरे धीरे यहाँ पे गायब हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए x के ऊपर घात 4 है, फिर x के ऊपर 2 1 और फिर 0, इस तरह से आप लिख सकते हैं इनको। अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 2 पहले है x के ऊपर घात 2 बाद में है, तो इसको पहले हम ठीक कर लेंगे, हम क्या करेंगे x के ऊपर घात 2 को पहले लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया बच्चों, अब हमारे पास सबसे पहले आता है माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है सबसे पहले x के ऊपर घात 4 है, तो हमें x के ऊपर घात 4 बनाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ये आप देखें माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x के ऊपर घात 4 आ जाए, ये आपको सोचना है। अगर मैं बोलता हूं कि इसको माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इसको अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब यहां पे आप माइनस
एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स के ऊपर चार, साइन प्लस का आ जाएगा और माइनस दो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एक्स के ऊपर चार और माइनस दो एक्स स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं। ये बच्चों मल्टीप्लाई करना आपको आता है, आप पिछली क्लासेस में भी सीख चुके हैं कि ब्रैकेट अगर आपको खोलना हो तो इसको एक बारी तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक बारी इससे मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो बस मेन चीज इसमें क्या पता लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए कि जो ये x के ऊपर पावर चार है, ये हम कैसे लेके आए माइनस एक्स के ऊपर पावर दो से। तो ये हमें पता लग गया कि अगर हम माइनस एक्स के ऊपर पावर दो है, कितना माइनस एक्स के ऊपर घात दो है, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा एक्स के ऊपर घात चार, फिर उसके बाद क्या आया दो एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा मुझे क्वेश्चन में, लेकिन हम लिखते तो स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर के साथ है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे अभी, इसको हम स्क्वायर वाली टर्म को अभी नहीं लिखेंगे, अगली बार के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इस टर्म को लिख लेते हैं अलग से, तो अलग से कितनी है ये माइनस दो एक्स स्क्वायर है, माइनस दो एक्स स्क्वायर है बच्चों। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस चार एक्स है, तो इसको साइन बदल जाएगा इसका, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हम, और यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा इसके बाद, देखिए जो दो एक्स स्क्वायर है इसको हम पहले लिखेंगे, दो एक्स स्क्वायर इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि पावर जो बड़ी होती है, घात बड़ी होती है, उसको हम पहले लिखते हैं, तो इसको हमने पहले लिख लिया और फिर उसके बाद पांच एक्स माइनस पांच एक्स यहाँ पे नीचे उतार लिया प्लस छ। अब देखेंगे कि दो एक्स स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं, कितना दो एक्स स्क्वायर बनाना है हमें, किससे माइनस एक्स स्क्वायर से। तो अगर हम माइनस दो से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर। अब हमें माइनस दो से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए दो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस। उसके बाद माइनस दो को दो से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले दो को दो से किया तो चार और प्लस माइनस माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस दो से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आप, और क्या आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर और माइनस चार यहाँ पे आ जाता है, साइन बदल जाएंगे इनके, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस फाइव एक्स प्लस टेन माइनस पांच एक्स प्लस दस, ये रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर क्यों बच जाएगा बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स है, मतलब ये जो रिमाइंडर है ये हमारे भाजक से छोटा रह गया, और भाजक से छोटा रह गया इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, और ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है बच्चों। तो डिवाइजर से छोटा अगर रिमाइंडर, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर आपका क्या है माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, और आपका क्वेश्चन क्या आया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो इसको आप सॉल्व करें इस तरह से, ये सॉल्व होगा, लिख दें आप, ये आ गया है रिमाइंडर और ये आया है क्वोशेंट आपका, यानी भागफल, और ये आया है शेषफल, ठीक है बच्चों। अब हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम करके देखते हैं। तीन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस पांच, इसको आप क्या करेंगे, एक प्लस दो एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर, इससे आप से भाग दीजिए। अभी हमने क्वेश्चन किया था इस तरह का, क्या करते हैं बच्चों, जो पावर होती हैं, जो घात होती हैं, उनको आप पहले अरेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। किसको भाग करना है, 3x³ प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5, इसको आप डिवाइड करेंगे। और किससे करना है, देखिए ये एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे आप, फिर प्लस 2x और फिर 1, इस तरह से। देखिए सबसे ज्यादा पावर x का वर्ग में है, सबसे बड़ी घात, फिर उसके बाद 2x में उससे छोटी है, और फिर 1 के साथ x है ही नहीं। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर देंगे। अब वही तरीका, वही ट्रिक हम फॉलो करेंगे। क्या, कौन सी ट्रिक, मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि जो ये 3x³ है, सबसे पहला वाला हम पद देखेंगे, पहली वाली टर्म हमें देखनी है, पहली वाली टर्म, पहला पद क्या है, 3x³3x का घन इसको हम बोलेंगे। तो ये कैसे आ सकता है, मतलब x का वर्ग है, x का स्क्वायर है, इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, किस चीज की हम गुना करें कि 3x² आ जाए। तो बच्चों इसके लिए अगर आपको ऐसे देखने से पता लग जाना चाहिए कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x³ आ जाए। अगर नहीं पता लगता है तो एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो ये है 3x³ है, इसको आप x का स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि x की स्क्वायर है, इससे ये x की क्यूब कट गई। मतलब क्या होता है, अगर डिवाइड करते हैं, देखिए ये भी आपने सीखा है, x की क्यूब है यहाँ पे और x का स्क्वायर है, दोनों को हम भाग दे रहे हैं, तो ये क्या है, x की क्यूब डिवाइड बाय x का स्क्वायर। मतलब अगर बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 3-2 और x के ऊपर 1, मतलब x बच जाएगा। ये चीज आपको पता है, यहाँ पे वही कर रहा हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। तो अब देखिए इसको भाग देने पे क्या बच गया, 3x बच गया, ठीक है। तो हमें पता है अगर हम इसको x² को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x³ आ जाएगा, ये चीज भी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x से मल्टीप्लाई करना है हमें, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको आप किससे, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने पता लगाया था ना कि किससे मल्टीप्लाई करना है, अब देखिए 3x को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आना ही है। अब 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x × 2x, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया, और 3 × 2 = 6 आ गया, तो ये 6x² आ गया, प्लस अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही रहेगा, तो ये आ जाता है आपका, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3x³, x³ के नीचे x³ लिखा, फिर x² के नीचे हम x² लिख देंगे और x के नीचे हम x लिख देंगे, ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल यही तरीका हम फॉलो करेंगे बच्चों। अब माइनस करना है इस पूरे को, तो सबके साइन हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3x³ प्लस का है और ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे x² प्लस का है और 6x² माइनस का है, तो 6x² में से x² माइनस हो गए तो 5x² बच गए, और साइन आएगा जो बड़ा होता है यानी माइनस का। फिर 2x² प्लस का है, 3x माइनस का है, 2x प्लस का, 3x माइनस का, इनको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर 5 बचा तो 5 हम यहाँ नीचे उतार लेंगे, प्लस 5,
फिर से वही चीज दोहरानी है हमें कि ये यहाँ पे -5x² है, दिख रहा है पहली पद, पहला टर्म दिख रहा है आपको या पहला पद, तो इसको आप क्या करेंगे कि जो x² है इसको -5x² बनाना है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करें ये आपको जानना है। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर को -5 से मल्टीप्लाई करना है तो -5x² आ जाएगा, करके देख लीजिए आप, एक्स को -5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x² + 2x + 1 इसको -5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए -5 से x² को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -5x² -5 से 2x को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 × 2 = 10 और प्लस माइनस माइनस तो -10x आ जाता है यहाँ पे, तो -10x यहाँ पे लिखते हैं हम। उसके बाद -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही रहेगा, यही आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -5x² - 10x और -5, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे हम सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या करेंगे, माइनस करते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को, साइन बदल जाएंगे, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस हो जाता है। अब -5x² और नीचे +5x² है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, नीचे +10x है और ऊपर -x है, तो 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x बच जाएगा, यहाँ पे आप 9x लिख सकते हैं। फिर नीचे भी प्लस का 5 है, ऊपर भी +5 है, तो +10 यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए आपको सीधे सीधे यहाँ पे पता लग रहा है कि रिमाइंडर क्या है, ये शेषफल हो गया, तो लिख देंगे शेषफल 9x + 10 है। और भागफल कितना है, भागफल है 3x - 5, यही तो करना है बच्चों में। ये यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से हमने कर दिया। एक क्वेश्चन और करके देखें, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई आप मिस्टेक करें, तो काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं ताकि आपको जो आपके लिए छोड़े हैं वो क्वेश्चन भी आप करें और जो यहाँ पे कर रहे हैं वो भी आप करेंगे प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन है बच्चों, -3x² - 3x + 5, इसको क्या करना है आपको, इसको x - 1 - x² से भाग दीजिए। तो बच्चों इसको भाग देना है आपको, सबसे पहले आप कौन सी चीज देखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपकी पावर्स अरेंज हो रखी हैं, ठीक है, क्या ये जो पॉलिनोमियल है ये ऑर्डर में है, हमें ऑर्डर में करना है ना, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे बच्चों। सबसे बड़ी पावर x³ है, तो -x³ सबसे बड़ी है, उसके बाद क्या है +3x² है, और उससे छोटी क्या है -3x, उससे छोटी +5 है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, सबसे बड़ी टर्म है -x², उससे छोटी +x और उससे छोटी -1, तो इस तरह से हम पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस चीज से आप मल्टीप्लाई करें। आप बताइए कि यहाँ पे कौन सी चीज से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि -x³ आ जाए, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, -x² को। तो अगर नहीं पता लग पा रहा है तो -x³ को -x² से आप भाग दे के देखें,
तो देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ एक्स बचता है। या फिर 3 - 2 करेंगे तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो अगर हम इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए पूरे को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस एक्स बन जाएगा। 1 को x से करेंगे तो x ही आएगा। अब बच्चों साइन चेंज कर देंगे हम, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x² माइनस x स्क्वायर करेंगे तो 2x² बच जाएगा, और माइनस 3x प्लस x है तो माइनस 2x यहाँ पे शेष बच जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे 2x² आएगा, ठीक है। अब आगे 5 उतार लेंगे आप, और 5 उतारने के बाद फिर वही चीज रिपीट करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। तो अगर आप इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² आपका आ जाता है। अब आगे इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x², फिर आएगा माइनस 2x और फिर आ जाएगा आपका प्लस 2। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इन दोनों को, और माइनस 2 और प्लस 2 भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, माइनस 2x और प्लस 2x। यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पे बच्चों 5 - 2 - 3 बच जाता है, तो 3 शेषफल आ गया और x माइनस 2 आपका भागफल आ गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो भी चैप्टर के आपके क्वेश्चन हुए हैं, देखिए डिवाइड करना बहुत इजी है, आप पहले भी करते आ रहे हैं, बस यहाँ पे एक्स की टर्म्स देख के आप घबराएं नहीं, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। काफी सारे क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस भी किए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।